कद्दूस और जलाली नाम में आप सब हम सब जो खुदावंद के हैं कोई हादसा है का कलाम है और जिंदा के कलाम की बातें हमारी जिंदगी और शादमानी पैदा और वो लोग जो खुदा के कलाम बागौर सुन ध्यान दे और फिर काम को बाद पर अमल पैरा हो और वही लोग हैं जिनकी बाबत वो शख्स अपना घर बनाते वक्त बुनियाद रखे लोग हैं जो खुदा के भूल कर और वो खेत पर रखी ने खुदा का कलाम सुन लेकिन पर कायम ने जरूरत ये है हम इस बात को जाने जब हम खुदावन की हजूर तो कलाम को सुने और उसे अपनी करने दें और उसे ईमान से कबूल करें। यूहन्ना जब आप जब हम पढ़ते हैं तो में एक मौजज़े का कराता है ये बाब में जब हम इसे पढ़ना शुरू करें तो एक मौजज़े का जिक्र आता है और ये मौजज़ा बहुत अद्भुत है और इस बाबत मसीही अब बार बार चर्चा करते हैं और ये मौजज़ा है पांच और तो मच मौजज़ा हुआ है 1000 मर्द ही मर्द हैं खवातीन और बच्चों को निकाल कर सब ने खाया है और उसके बाद यीशु वाके लिए और जो है उन्होंने सफ़र करना शुरू कर दिया। आप सब जानते हैं कि कौन सा सफर किया था पानी पर कश्ती में उन्होंने झील को पार करने की कोशिश की और यीशु मसीह के रह गए हैं कश्ती एक ही है और फिर यीशु पानी पर करीब और के बाद वो अपनी मंजिल लेते हैं और लोगों से मुखातब होते हैं। इसी से को मैं पढ़ने को ये छठे बाब की 25वीं आयत और झील के पार उससे मिलकर कहा ऐ रब्बी यहां कब आया जवाब में कहा मैं तुम सच कहता तुम मुझे इसके ढूंढते और बल्कि तुम रोटियां पानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा तक ठहर
इसे आदम का और अब ये का तलब है लोग मौजे के बाद बेशक उन्होंने बीमारियों से शिफा, अपने गुनाहों से शिफा, कोढ़ से शिफा, कई तरह की हर तरह की बीमारी से शिफा पाई और अब यीशु के पीछे भाग रहे हैं और सवाल जवाब हो रहे और यीशु ने कहा कि ये ढूंढ रहे हो खाने पीने ये नहीं ढूंढ रहे के अंधों ने देखा ये मुझे तलाश नहीं कर रहे कि कोढ़ियों ने पा पाई ये मेरे पीछे नहीं भाग रहे ये लंगड़े चलना शुरू हुए मफलूज बैठे ता हो गए रोटी के चक्कर में हो और आज भी हम सब बड़ी बात जिस कर रहा है वो हर शख्स चक्रों में पड़ा हुआ है भाग रहा है और कई दफा इबादत में आने का मकसद का बरकत दाता देते और चल और यीशु ने उनसे कहा तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे कि तुमने मौजज़े पाए तुमने खुदा की कुदरत को देखा इसलिए ढूंढते हो तुमने और अब भी और इस को जब हम पढ़ते हैं इस छठे बाब को जरूर घर जाके सारे को पढ़ना शुरू जरूर अपने कर दे तो इस छठे बाब में जब रोटी का जिक्र हो गया है छठे बाब की 40वीं हुआ है जिंदगी रोटी की बात करते यीशु उनके साथ रोटी की बात करने काश हम में हर कोई या जो कोई वक्त मैसेज को सुन रहा है लाइव सुन रहा है वो रोटी मैं हूं और फिर बाब की 51 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो फिर कहा अब तो देखें यीशु बाबत बात कर रहे साथ बात को शेयर कर रहे तो उनके कल हो गई है वो रोटी की बाबत जाने और इस बात को हकीकत को इस तालीम के लिए बिल्कुल नहीं है और अपना वो यहूदी वो जो शरा के आलम थे वो जो खुदा के कलाम को जानते थे उन जो है बुड़बड़ाहट और कई तरह
वो जब ऐसा माहौल बन जाता है तो इनके दरमियान झगड़ा रगड़ा भी शुरू बाप की कामना पढ़ रहा हूं और आप सब बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ शख्स अपना गोश्त हम पर खाने को देता है हूं जब तक तुम आदम का गोश्त और उसका ना पियो तुम में बस मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की और मैं उसे आखिरी फिर जिंदा करूंगा क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकी और मेरा गोश्त मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें तरह तब बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ तरह वो भी जो मुझे खाएगा वो रोटी आसमान दादा आया और मर गए जो बता खाने पीने की चीजों पर बात हुई तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो कि तुमने रोटी खाई तुमने एक मौजा देखा तरह वो पांच रोटियां दो मछली हजारों हजार लोग के लिए काफी है तुम मुझे ये ढूंढते हो और इस बात से आगे यीशु मसीह रोटी की बाबत बात कर और उनको पाक इष्ठा तरफ के मेरा गोश्त खून तुम्हारे लिए नहायत जरूरी जो मेरे गोश्त को खाता है मेरे खून को पीता है अबदी जिंदगी आ जाती है उसकी जिंदगी हमेशा की जिंदगी आ जाती तुम मरने का नहीं वो हरगज हरगज वो जो है जब मर भी जाए तो वो हरगज हरगज उस कब्र में पड़ा नहीं रहेगा जब खुदावंद आएगा उस शख्स को जिंदा करेगा जो उसके बदन बहुत सारे मसीही उसके बदन और खून में शरीक वजह कोई बता सकता है वजह क्या है वजह क्या है उन्होंने अपने आप को उन्हें घर जाना है और वो पाक शामिल शरीक उनका गुनाह मिट सकता है उनका गुनाह माफ हो सकता है वो पाक और साफ हो सकते हैं बगैर कुर्बानी के बगैर किसी हदीये के दिए बगैर बगैर कुछ खर्च किए बगैर कई दफा जो है हम इस बात को देखते हैं कि निजात के लिए बरकत पाने के लिए या गुनाहों की माफी के लिए खर्चा करना पड़ता है मिसाल के तौर पर जब हम शरीयत में देखें तो गुनाह कुर्बानी देनी पड़ती जब उनसे गुनाह होता तो उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती थी खर्चा हो जाता था
यीशु मसीह के पास आने से हमारी जिंदगी में निजात आ जाती है। और इसी यूहन्ना की पहले बाब को जब हम पढ़ते तो लिखा है वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने कबूल ना किया। अपने तो हैं, उसके नाम से तो कहलाते हैं, उसके नाम से तो जाने जाते हैं, अपने नाम के साथ मसीह तो लिखते हैं। शनाख्ती कार्ड के कालम में, मजहब के कालम में अपने आप को तो शो करते हैं, अपने हैं, अपनों ने कबूल ही नहीं किया। पास आकर ये नहीं कहा कि मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मैं सच्ची तौबा करता हूं, मैं फिर गुनाह नहीं करूंगा, ये ने किया ही नहीं। गुनाह ही में जिंदगी बसर करता चला जाता है और दौड़ में वो शख्स जो सच्चे दिल से यीशु के पास आता है, सच्चे दिल से उसकी हुजूर आकर तौबा करता है, बाबत लिखा है ता उसके गुनाहों को मिटा दे। आज मैं ये आपके सामने बात को रखना चाहता हूं, ये बदन और उस खून को हरगज हरगज रद्द ना। पाक मेज में जब मौका मिले तो उसमें जरूर शरीक हो। पाक शराकत अपने जरूर रखें, पाक को अपनी जिंदगी में, उसका बदन उसका खून आपकी जिंदगी कुदरत और जलाल को पैदा करता है। अपना हाथ उठाना, अपने हाथ को रोकना और पाक का ना लेना बात का अलानिया निशान है कि मैं खुदा का नहीं कहूं शैतान का, क्योंकि दो ही तो होते हैं। मैं ये कहूं कि दो ही तो मिशना ने, एक अबलीश दी ते एक खुदा दी, क्या जी दो ने एक अबलीश एक खुदा दी। अगर हम खुदा के में तो मसीह के वसीला से हमारी जिंदगी में पूरा होता है कि हम उसके बदन और उसके खून में शरीक हों, यहूदियों की तरह बुड़बड़ाना और कुड़कुड़ाना ना करें, शामिल हो जाएं, ईमान लाएं कि ये रोटी जो तोड़ी गई है ये मसीह का बदन है, ये अंगूर का रस जो खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी के साथ पेश किया गया है, ये यीशु मसीह का खून है। और ये इसलिए है कि उसने कहा यादगारी में, और अगर आप उसकी यादगारी में शरीक नहीं तो वो आपको याद करे, वो आपको याद करेगा हरगज, गुनाह को तर्क करे, गुनाह को छोड़ने की। और ये भी याद रहे, ग्रंथियों के खत को अक्सर हवाले को मैंने आपके सामने तर्क किया है, वाज़े लिखा है अगर कोई नामनासब तौर पर गुनाह की हालत में आए तो वो सजा पाएगा। क्या पाएगा? पाएगा। और वाज़े लिखा कि बहुत सारे लोग सबब कमजोर हैं, बीमार हैं, और बहुत सारे क्यों हम सब तौर पर अपने आप को सच्चे ताकि करें, तोबा करें, ना करने का दामन के साथ अहद बांधें और इस अहद
कायम रहें और पाकशा में जारी, ये हम सबों के वाइस से बरकत है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो शख्स के बदन और उसके खून में शरीक नहीं होता, जो शख्स पाकशा में शरीक नहीं होता, मेज पर से खाता नहीं, इबादत यो पढ़ा कि मैं आखिरी दिन उसका भी। फिर जब वो पाक शाम में शरीक नहीं होता तो ये ना समझे कि मैं उसी में कायम रहने का निशान है कि लोग पाक शाम में अपना हाथ बढ़ाएं और शुक्रगुजारी में ताकि आयश करें। ऐसा हम सबों के लिए आया अपना बदन और खून, और हमें भी ऐसी। सो मैं आपको फिर से यही कहूंगा, टाइम अपने मेज को तरक ना करें, ना को तरक करें, मेज में अपना हाथ बढ़ाएं, पाकशा में, और पेशा शिरकत करते रहे ही ईमान का बड़ा हिस्सा। तो यह यादगारी में कलाम को याद रखते पर ईमान रखते पाकिश आए हम अपने साथ हम की और मेहरबानी से हर कोई अपनी जिंदगी पर गौर, क्या है इस और इस में पाकिश ताकत शरीक होने के अहल, दूसरे की तरफ ना देखें, अरे नहीं ले सकते, आप किसी का ताब ना करें, इसकी अदालत ना करें, क्योंकि करंट के खत में वाजे लिख आदमी अपने आप को अपना तसाब करे, अपने आप को अजमा, कोई भी ऐसी गलती अगर घमंड है, गरूर है, तकब्बर है, तरह का कोई गुनाह है तो अपनी काले हजूरी में आए और कहें कि मैं सच्चे दिल से तौबा करता, मैं गुनाह को तर्क करता, आहों को तर्क कर, मैं तेरे साथ सच्चाई से चलता, तेरे साथ जो तेरी पाक में पाक शाक शरीक, जब आप सच्चाई के साथ सच्ची तौबा के साथ इसमें हैं तो उसका बदन और उसका खून आपकी जिंदगी में कुव्वत बन जाता है, आपकी जिंदगी में खुदा का जलाल जाहिर हो, आप शिफा पा जाते हैं, आप खुदा की असल यीशु का खून आम पाल और दुआ करें, सच्ची तौबा करें, हर एक के लिए मौका, हर एक की जरूरत, पाक मेज में होने के लिए अपने आप। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज वंडरफुल जीसस,
हालेलुया हालेलुया। मौका है मैं और आप हर कोई अपनी पाकशाह में शरीक होना मामूली बात नहीं। हालेलुया अब्बा था रब्बा हिंदी दीदी को रो बो 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 बोलो रो खुश पर गुजारी है तेरे पाक ना हम जी। कितने लोगों ने सच्चे दिल से तौबा की है तेरी दम जी, और जितने लोग आज पूरी पकीजगी के साथ तेरे बदन और तेरे खून में शरीक होते हैं सबकी जिंदगी तेरी कुदरत बड़े जोर से होते हैं और मसीह का जलाल जहर हो ये तुझ में कायम हो जाए और ये सब के सब ऐसे हो इन्हें फिर से जला बख्शे पर तेरा खास फज़ल यीशु के नाम आमीन।